स्वागत है आपका पिक्सेल वैक्ट ग्राफिक्स पे। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंक्सकेप के ट्यूटोरियल। सो इंक्सकेप में आज हम देखेंगे पैटर्न की लाइब्रेरी को देखेंगे और अपना कस्टम पैटर्न बनाकर सेव करेंगे लाइब्रेरी में। पर उससे पहले छोटी सी गुजारिश मैं करूंगा, फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर कीजिए। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का, आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यूज कर रहा हूँ इंकस्केप का 1.1 लेटेस्ट वर्जन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना अगर नहीं किया है तो जैसे ही आप इंकस्केप को ओपन करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आता है। ठीक है, सबसे पहले आ जाएंगे टाइम टू ड्रॉ में और यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट में क्रिएट करेंगे। सो जैसे हम न्यू डॉक्यूमेंट में क्रिएट करते हैं, इंकस्केप एक डॉक्यूमेंट अपने आप क्रिएट करके आपको दे देता है। बाद में चाहो तो आप इस डॉक्यूमेंट का साइज कोई कस्टम साइज ले सकते हो, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। उसके लिए आप जाएंगे फाइल में और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में क्लिक करेंगे। सो यहाँ देख सकते हो कि जो हमें डॉक्यूमेंट मिला है वो A4 साइज का मिला है, पर मैं कोई कस्टम साइज लेना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं पहले यूनिट में आ जाऊंगा। यूनिट को पहले चेंज कर देंगे, पिक्सल में मैं रख रहा हूँ और मैं यहाँ से ले रहा हूँ 1920x1080 का एक साइज। ठीक है जी, आप कोई भी साइज ले सकते हो। ओरिएंटेशन में लैंडस्केप रख रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे क्रिएट हो गया जी हमारा साइज। अब इस पैनल की जरूरत नहीं, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, सो इंकस्केप को अगर फर्स्ट टाइम आप ओपन कर रहे हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा, व्यू में जा रहा हूं मैं, वाइड में आपको मिलेगा, देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं कहूंगा कि आप व्यू में जाकर इसको डिफॉल्ट पे रखिए। इसका फायदा क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं डिफॉल्ट रख रहा हूं तो यहाँ पे कुछ बटन्स आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ सबसे पहला बटन जो है ये है फिल एंड स्ट्रोक का। जैसे मैं क्लिक करूंगा, सो जैसे मैंने क्लिक किया, ये देख सकते हो फिल एंड स्ट्रोक का एक पैनल आ गया। इसी पैनल में आपको मिलता है पैटर्न। ठीक है, पैटर्न को आप ऐसे ही कहीं अप्लाई नहीं कर सकते हो जब तक आप कोई शेप नहीं ड्रॉ कर लेते। ठीक है, शेप के ऊपर ही आप पैटर्न को अप्लाई कर सकते हो। तो मैं ये कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल लेके इस कैनवास के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें हम पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। देखिये पैटर्न के लिए आप यहाँ आ जाएंगे। देखिये ये है जी पैटर्न का बटन, पैटर्न की लाइब्रेरी भी कह सकते हो। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जो सबसे ऊपर वाला पैटर्न है, कुछ बने बनाए आपको पैटर्न दिए हुए हैं इंकस्केप ने, वो अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पैटर्न है कुछ इस तरह का, ये देख लीजिए। और यहाँ पे मैं और भी नीचे आके दिखाऊं तो कुछ इस तरह का भी आपको पैटर्न मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके आपको मैं दिखा दूं। ठीक है, तो आप अपना पैटर्न भी बनाकर यहाँ पे सेव कर सकती हो। कैसे करेंगे चलिए दिखाता हूँ। इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं ले रहा हूँ एलिप्स और एक इस तरह से एक ओवल शेप मैंने ड्रॉ किया। ठीक है जी, तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इंकस्केप ऑलरेडी बेसिक है मेरे दूसरे चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल पे जाके आप इंकस्केप के बेसिक को देखकर और अच्छी तरह से सीख सकते हो किसी भी ऑप्शन या फिर किसी भी टूल के बारे में कोई कंफ्यूजिंग है तो। ठीक है जी, तो मैं इसका कलर मैं रेड कर देता हूं फिलहाल के लिए। और मैं ये करूंगा कि पाथ में जाऊंगा और ऑब्जेक्ट टू पाथ करूंगा। क्यों किया है, इसके लिए भी आपको बेसिक में जाके ऑब्जेक्ट टू पाथ और स्ट्रोक टू पाथ का वीडियो को देखना पड़ेगा। उसमें मैंने समझाया कि ऑब्जेक्ट टू पाथ और स्ट्रोक टू पाथ क्या चीज होती है। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ से ले रहा हूँ जी नोड्स टूल। यहाँ पे तीन नोड्स आपको ऊपर के सेलेक्ट करने हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, कंट्रोल की प्रेस करेंगे और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। देखिए हमें कुछ इस तरह का एक शेप मिल जाएगा। ठीक है जी, ये देख सकते हो। राइट, सो अब मैं ये करूंगा कि इसको रोटेट करता हुआ कॉपी करूंगा। ठीक है, एक फ्लावर की तरह हमें मिल जाएगा। हालांकि इस तरह के काम के लिए कुछ एडवांस टेक्निक भी है, उसको मैं बाद में आपको सिखाऊंगा। तो सबसे आसान तरीका यह है कि एक और बार क्लिक कीजिए, हैंडल मुड़ जाते हैं और बीच में एक आपको पैवेट पॉइंट मिल जाता है या सेंटर पॉइंट मिल जाता है। कंट्रोल की प्रेस करते हुए इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। और इसको हम डुप्लीकेट करेंगे या राइट क्लिक करके भी आप डुप्लीकेट कर सकते हो, कंट्रोल डी है इसका शॉर्टकट। ठीक है जी, और मैं इसको कंट्रोल की प्रेस करते हुए इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है जी, फिर से मैं कंट्रोल डी से एक डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ।
यूं करके, ठीक है जी। ऑलराइट, इन सबको सेलेक्ट करेंगे और मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूं, बहुत बड़ा हो रहा है तो मैंने छोटा कर लिया। अब इन सबको सेलेक्ट करके जाएंगे पाथ में और इसको कर देंगे कंबाइन, ठीक है जी। ये हो गया जी कंबाइन हमारा। एक और इसका डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल डी से इन सभी का, और उसका कलर मैं चेंज कर दूंगा। मैं ले रहा हूं जी यहां से मजेंटा, ठीक है जी। इसका मैं एक और बार मैं क्लिक करूंगा और सेंटर पॉइंट को बिल्कुल इसके बीच में सेंटर में कहीं लाके छोड़ दूंगा, और कंट्रोल की प्रेस करते हुए इसको रोटेट करेंगे कुछ इस तरह से। सो ये जो मजेंटा है इसको हम रेड के नीचे ले जाएंगे। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और ये बॉटम में चला जाता है, ठीक है जी। और सो आ जाते हैं रेड में, रेड को सेलेक्ट करेंगे, इसकी एक और डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल डी से, और उसको मैं कोई कलर में ले लेता हूँ। मैं ग्रीन ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट में कर दूं तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ फिल एंड स्ट्रोक के नीचे आकर, ठीक है। अब मैं ये करूंगा कि थोड़ा सा इस ग्रीन को बड़ा करूंगा प्रोपोर्शनली चारों तरफ से। तो उसके लिए हम जाएंगे पाथ में और यहां से कहेंगे आउटसाइड, ठीक है जी। आउटसाइड करते ही थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है। अब जितने मर्जी बार आप आउटसाइड करेंगे उतनी बार ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक और स्टेप इसको बड़ा कर दूं, ठीक है जी। थोड़ा सा और ये बड़ा हो गया, ठीक है जी। ऑलराइट, सो इसके बाद हम ये करेंगे कि ग्रीन को सेलेक्ट ही रहने देंगे, शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस मजेंटा पे भी क्लिक करेंगे, ठीक है। दोनों सेलेक्ट हो गए, ये देख सकते हो दो बाउंडिंग बॉक्स हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे जी पाथ में और कर देंगे इसको डिफरेंस, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है, राइट। सो इसके बाद मैं एक एलिप्स ड्रॉ करूंगा, एलिप्स टूल ले रहा हूँ और कंट्रोल की प्रेस करते हुए, याद रखिए कंट्रोल की प्रेस करते हुए इसको ड्रैग करेंगे, एक प्रोपोर्शनली आपको सर्कल मिलेगा चारों तरफ से बड़ा किया हुआ, ठीक है। शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस रेड को भी सेलेक्ट करेंगे और दोनों को कर देंगे अलाइन। तो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का पैनल लाने के लिए देखिए जी यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आ गया अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का पैनल। रिलेटिव टू में याद रखिए लास्ट सेलेक्टेड होना चाहिए सेंटर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है जी। डी सेलेक्ट करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको ग्रीन को और बड़ा करना चाहता हूँ, तो शिफ्ट और कंट्रोल की एक साथ पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ये चारों तरफ से प्रोपोर्शनली बड़ा हो जाता है, ठीक है। Alright, so इतना होने के बाद अब मैं वापस से जा रहा हूँ फिल एंड स्ट्रोक में, और ग्रीन को सेलेक्ट ही रखा है मैंने और ओपेसिटी को उसको फुल कर दूंगा। अब इसकी दो और मैं डुप्लीकेट कॉपी करूंगा, ठीक है। तो कंट्रोल डी से मैं कर रहा हूँ और इसका कलर मैं कर रहा हूँ ऑरेंज। एक और कंट्रोल डी से एक और डुप्लीकेट किया, उसको कर दिया मैंने ब्लू, ठीक है। शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस ब्लू को और इस रेड को भी सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे पाथ और डिफरेंस, ठीक है। आप इस ऑरेंज को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस मजेंटा को भी सेलेक्ट करेंगे पाथ एंड डिफरेंस, और आप ग्रीन को सेलेक्ट करते हुए प्रोपोर्शनली इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। शिफ्ट और कंट्रोल की प्रेस करते हुए थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूं कुछ इस तरह से, तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है, ठीक है। अब हम इसका बनाएंगे पैटर्न। सो मैं ये कर रहा हूँ कि इस वाले को तो हम डार्क मजेंटा ही रहने देते हैं, इस रेड को भी मैं मजेंटा कर दूंगा। तो मैं फिल एंड स्ट्रोक के पैनल में जा रहा हूँ, मैं ये करूँगा कि यहाँ से मैं फिल ले रहा हूँ और यहाँ से मैं ले रहा हूँ कलर पिकर, ठीक है। ये वाला कलर मैं पिक कर रहा हूँ और इसको मैं कर दूंगा लाइट कुछ इस तरह से, लाइट, ठीक है। इस ग्रीन को भी सेलेक्ट करेंगे और फिर से मैं कलर पिक कर लूंगा और ये वाला डार्क कलर ले लूंगा, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसको डार्क कर देते हैं, बहुत ज्यादा लाइट लग रहा है मुझे, कुछ इस तरह का डार्क, ठीक है। थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, या कुछ इस तरह से, राइट। अब मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ। अब इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हो, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। सो ये हो गया जी छोटा। अब इसको हम पैटर्न बनाएंगे, तो पैटर्न बनाने के लिए सेलेक्ट रखेंगे, जाएंगे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आपको मिलता पैटर्न, और क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट टू पैटर्न, ऑल्ट आई है इसका शॉर्टकट, ठीक है जी। तो ये पैटर्न में जाकर सेव हो जाता है। देखिए यहाँ सबसे ऊपर वाला आपका जो मिल रहा है पैटर्न, ये है जी आपका पैटर्न, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है, चाहो तो उसको आप डिलीट कर सकते हो। और जूम आउट कर रहा हूँ, एक और मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा बैकग्राउंड के लिए, ठीक है जी।
एक हम रखेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को फिलहाल कलर मैं थोड़ा सा लाइट ले रहा हूँ ऐसे, इसका एक और डुप्लीकेट कर रहा हूँ कंट्रोल डी से, और मैं इसको कर दूंगा थोड़ा सा दूसरा कोई कलर, ठीक है। इस ब्लू में हम पैटर्न को अप्लाई करेंगे और ये जो ऑरेंज लाइट वाला है ये होगा इसका बैकग्राउंड, ठीक है जी। ब्लू को मैंने सेलेक्ट किया, आ जाएंगे पैटर्न में, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ पैटर्न हमारा अप्लाई हो जाता है, ठीक है जी। अब इस पैटर्न को बड़ा छोटा करा सकते हो, मूव करा सकते हो, रोटेट करा सकते हो, पर अभी आपको कोई भी ऑप्शन नहीं नजर आएगा जब तक कि आप नोट टूल नहीं ले लेते हो। ये है जी नोट्स टूल, मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ देख सकते हो तीन, आपको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं, ये देखिए एक ये है क्रॉस का, ये क्या करता है इससे आप मूव करा सकते हो पैटर्न को, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको मिलता है स्क्वायर वाला बटन, बटन या आप हैंडल भी कह सकते हो, इसको कंट्रोल की प्रेस करते हुए, याद रखिए कंट्रोल की प्रेस करते हुए छोटा या बड़ा कीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है जी। साथ में आपको मिलता है एक सर्कल वाला हैंडल, ये क्या करेगा ये इसको रोटेट करेगा, तो रोटेट कराने के लिए भी आप कंट्रोल की प्रेस जरूर रखिए और इसको आप चाहो तो रोटेट इस तरह से करा सकते हो, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। इसको और मजेदार बनाना है तो हम ये कर सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड का कलर को चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पैटर्न के साथ साथ आपको मिलता है ब्लेंड मोड, आप ब्लेंड मोड भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाते हैं और मैं ले रहा हूँ जी मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई दूसरा ब्लेंड मोड भी आप बदल सकती हो कुछ इस तरह से, ठीक है जी, कुछ इस तरह से, राइट। सो चाहो तो इसका बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो, थोड़ा लाइट या डार्क बैकग्राउंड करके भी आप पैटर्न को और भी मजेदार सा बना सकते हो। मैं ये कर रहा हूँ कि थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है जी, कुछ इस तरह से, या फिर कुछ इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है जी, कुछ ऐसे। और इसको थोड़ा सा और मैं लाइट कर रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है जी। ऑलराइट, सो बाद में चाहो तो आप इनको अलाइन कर सकते हो, मैं दोनों को अलाइन कर रहा हूँ शिफ्ट की प्रेस करते हुए, और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के पैनल में वापस से जा रहा हूँ। लास्ट सेलेक्टेड रखेंगे सेंटर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है जी। सो डन, उम्मीद करता हूँ कि आज का इंकस्केप का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले इंकस्केप के ट्यूटोरियल लिए बहुत जल्द फिर से मैं आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।